बात होगी जब आप इसकी प्राइसिंग सुनेंगे। हाँ वो पूछना ही है, हम Q&A में सर स्टार्ट करेंगे, लेकिन ये इनका कुछ पूछेंगे क्या कर रहे हैं आप? अरे भाई हैंडी करते मत रहो क्या करते रहे। हाँ जी हाँ जी ये विजुअल ले लीजिए आप लोग। ऑलरेडी इतने सारे ब्रांड हैं देसी के, तो आपको क्यों लगा एक नया ब्रांड की जरूरत है और लोग क्यों इसे पसंद करेंगे? देखिए ज़रूरत की बात नहीं होती है, आई थिंक इट इज़ मोर अबाउट कि आप क्या करना चाहते हैं। जैसे मैंने कहा आई एम वेरी पैशनेट अबाउट माई बिजनेस, वट एवर आई डू, आई मीन चाहे वो एक्टिंग हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, जो भी हो, आई वुड लाइक टू डू इट पैशनेटली एंड दैट्स हाउ आई बीन डूइंग। तो वही एक रीज़न रहा कि अल्कोहल में वेंचर कर ही लिया था, तो ब्रांड को एक्सपैंड करने के लिए, मतलब ब्रांड पोर्टफोलियो एक्सपैंड करने के लिए आज हम लोग यहाँ विस्की लॉन्च करने के लिए आए। इस विस्की के बारे में कुछ जानना चाहेंगे, बताइए इस बारे में। देखिए रॉयल ओक एक बहुत ही खास प्रिपरेशन से बनाया हुआ है, क्योंकि इसमें कई किस्म के मॉल्ट है, क्योंकि ब्लेंडेड विस्की है। रॉयल ओक में 28 साल पुराना भी मॉल्ट है, जिसमें 7 साल पुराना भी मॉल्ट है, और साथ ही में इसको ब्लेंड किया गया एक यूनिक पानी के साथ जो गोवा में ब्लेंड हो रहा है, और काफ़ी मेहनत गई है, लगभग 3 साल इसमें लग गए इसको प्रिपेयर करके फाइनली मार्केट के लिए लाने के लिए, और इट इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड इट्स गोइंग टू बी इन दैट प्राइस सेगमेंट के जो अफोर्डेबल भी हो, और साथ ही में आपको जितने आपकी इच्छाएं हैं प्रोडक्ट के थ्रू या विस्की के थ्रू जो चाहिए इच्छाएं हैं वो पूरी हो सके। देखिए रॉयल ओक विस्की की एक खासियत है कि वो ओक बैरल में मैच्योर किया जाता है, तो ओक एक हमेशा एक सिनोनिमस नाम रहा है, और रॉयल्टी मुझे रॉयल एक वर्ड हमेशा अच्छा लगता था, तो दोनों को कंबाइन करके रॉयल ओक क्रिएट हुआ। प्राइस कितना है? प्राइस जैसे मैंने कहा अफोर्डेबल सेगमेंट में है, एंड इट इज़ गोइंग टू बी एट 1040 रुपीज फॉर द महाराष्ट्र मार्केट। इसके अलावा मैं आपसे जानना चाहूँगा फिलहाल अभी रेनोवेशन चालू हुआ है, लगभग प्लानिंग स्टेज में था 4-5 महीने से, और अब उसका रेनोवेशन मैंने स्टार्ट किया। फिलहाल वो मेरा घर है, प्राइवेट रेसिडेंस है, और जल्दी ही उसका नामकरण की सेरेमनी एक होने वाली है बहुत जल्द, तो आई थिंक तब मैं इसके बारे में चर्चा करूँ तो ज़्यादा बेटर है। उसके अलावा और एक चीज़ जानना चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कई सारी जगहों पर आपका बिजनेस है, कई सारी जगहों पर ऐसी भी बातें होती हैं कि क्या IPL में भी आप कुछ ऐसा मतलब फ्रेंचाइजी या आप ऐसा कुछ आजमाएंगे? क्योंकि आई थिंक बहुत प्रीमेच्योर हो गया मैं कोई भी कमेंट करूँ। देखिए क्रिकेट एक किस्म का रिलीजन ही है हमारे देश में, सिनेमा भी है, तो सिनेमा में तो वेंचर हमने कर ही लिया है अल्कोहल की इंडस्ट्री में। क्रिकेट आई एम ऑल्सो वेरी पैशनेट अबाउट स्पोर्ट्स, तो अगर मौका मिलेगा तो फ्यूचर में IPL में भी आजमाएंगे। ओके सर, मार्केट में कब से आने वाला है ये ब्रांड, इसके बारे में कुछ जानना चाहिए? ये बहुत जल्द आई थिंक इसी हफ्ते से ये मार्केट में लॉन्च हो रहा है। एंड कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटी को आप इसकी ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहेंगे? क्योंकि कई सारे काफ़ी करीबी दोस्त हैं, कई सारे के साथ आपने काम भी किया है, तो आप बताइए। फिलहाल ऐसी कोई सोच नहीं है, आई थिंक पहले प्रोडक्ट अपने आप में हीरो रहता है। प्रोडक्ट मैं चाहता हूँ कि मार्केट में आए पहले, लोगों को जो हमारी इच्छा है कि हम बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी हर प्रोडक्ट में दें, इसी तरह रॉयल ओक की भी हमारी वो कोशिश है। इवेंचुअली प्रोडक्ट एक्सेप्टेबल होगा, फिर उसकी प्रोग्रेस के लिए मैं समझता हूँ ब्रांड एम्बेसडर की ज़रूरत होती है। फ्रेंचाइजी के अलावा प्लेबॉय का ये जो सेगमेंट है आपका, इसके बारे में भी बहुत ज़्यादा चर्चा हुई है, उसके आपको क्या कहना चाहिए? प्लेबॉय एक इंटरनेशनल ब्रांड है, अभी हाल ही में हमने मतलब इंडिया का जो मास्टर फ्रेंचाइजी है वो मेरे पास कम्प्लीटली हमने टेक ओवर किया। प्लेबॉय एक कई किस्म की सोच लोगों में आती है, बट ऑनेस्टली हमारा सेगमेंट और टारगेट FNB है, मतलब फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री है, जिसमें हमारे कई फॉर्मेट्स है। क्लब शायद कल ही एक इवेंट में, हॉस्पिटैलिटी इवेंट में, वीव गॉट द नाइट क्लब ऑफ द ईयर, बॉम्बे का जो प्लेबॉय नाइट क्लब है उसको अवार्ड मिला है, और साथ ही में प्लेबॉय बियर गार्डन है, प्लेबॉय कैफेज़ हैं, तो हम उस फॉर्मेट पे वहाँ एक्सटेंड कर रहे हैं। सचिन जी, लीकर इंडस्ट्री में विजय माल्या काफ़ी स्टाइलिश माने जाते थे और अभी काफ़ी स्टाइलिश है, तो
विजय माल्या और किंगफिशर विला जो आपने खरीदा है, किंगफिशर विला खासतौर पर, क्या ऐसा लगा आपको कि हम मुझे ही वो विला खरीदना है, क्यों इतने इच्छा किया? देखिए, मेरी ऐसी कोई सोच नहीं थी, टू बी ऑनेस्ट. लाइक एवरीबडी एल्स, मैंने भी उसके बारे में काफ़ी चर्चाएं सुनी. एक बार जाके भी आया हूँ मैं पहले, बहुत पहले, आई थिंक 2003-04 के आसपास. और जब मैंने देखा कि ये ऑक्शन हो रहा है, कोई ले नहीं रहा है, क्या रीज़न है, व्हेन आई रियलाइज, तो काफ़ी अड़चनें थी. बट फाइनली मैंने मेहनत की और मुझे मिल गया. एक आखिरी सवाल हम मीडिया की तरफ से, कि इन सारी चीज़ों के अलावा एक नन्हा और एक नन्हा परिश्ता आपके घर आने वाला है, तो आप बताइए कि आप कितने एक्साइटेड हैं इन सारी चीज़ों का? आई थिंक लाइफ में उससे बढ़ के और कोई खुशी हो नहीं सकती. आई एम वेरी एक्साइटेड. आई थिंक अनदर कपल ऑफ मंथ्स बहुत जल्दी मेरा एक नया फैमिली मेम्बर जुड़ने वाला है. बहुत खुशी है, वेट कर रहा हूँ, बहुत उत्सुक हूँ अपने जो भी लड़का लड़की जो भी हो उसके उसको देखने के लिए. क्या आने वाली कोई फिल्म भी आपकी आने वाली है? यस, अभी मैं नवंबर में शूट कर रहा हूँ और एक बहुत ही अच्छी फिल्म के साथ आई विल बी कमिंग इन बैक. रोमांस करते हुए दिखाई देंगे, थ्रिलर, एक्शन, किस फिलहाल जॉनर जो मैंने अभी पिकअप किया है, थ्रिलिंग हॉरर फिल्म है, हॉरर थ्रिलिंग फिल्म है. लव स्टोरी का एक अपना ही एक चैप्टर होता है, क्योंकि इंडिया की हॉरर एक फिल्म जो होती है वो थोड़ा अपना ही एक अंदाज होता है हिंदुस्तान में, तो उसी स्पेस में है और बहुत जल्दी उसकी अनाउंसमेंट है, तो शायद हम दूसरे दिन के लिए रखते हैं इसको. थैंक यू सर.